मम्मी का तो प्लान बन नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे मम्मी का प्लान बनेगा। इससे पहले दीदी बहुत दिनों से कह रही थी, दीदी कह रही थी कहीं घूमने ले चलेंगे मम्मी, मम्मी आज ले जा रही है सबको ट्रेंड्स कैफे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी 3:30 बज चुके हैं और यहाँ पे अपने मौसा जी आ चुके हैं, चंदन दादा के पापा। ये दवाई लेके गए थे यहाँ से, तो उनकी दवाई खत्म हो गई, वे दवाई लेने आए हैं। अब दवाई लेने आए हैं ना? हाँ, दवाई लेने आए। आज आपका खाना हमारे ही घर है ना? क्या आज आपका खाना हमारे ही घर है ना? हाँ, खाना इस समय अपने सालों के घर पे खाया। खा चुके और खा भी चुके। और गाइस, आज से मेरी छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। आज मेरी फर्स्ट हॉलीडे छुट्टी है। और कृष्णा की तो कब से शुरू हो गई थी कृष्णा? 18 तारीख से। गाइस की 18 तारीख से छुट्टी शुरू हो गई थी, लेकिन मेरी आज पहली छुट्टी है। और कृष्णा की तुम गाइस कब खुलेगा कृष्णा? 3 जुलाई। गाइस मेरा भी 3 तारीख को खुलेगा स्कूल। गाइस मैं सुबह जग गया था, मैं सुबह 9 बजे जग गया था, लेकिन तब से मैं सो रहा हूँ, बीच में रुक रुक के सो रहा हूँ, क्योंकि मेरी आँख बहुत ज्यादा लाल हो गई। गाइस जब मैं सुबह उठा था मेरी आँख बहुत ज्यादा लाल थी। 1 घंटा सो रहा हूँ, फिर 1 घंटा जग रहा हूँ, ऐसे ही मैं तो दिन भर ऐसे ही निकल के भी 4 बज रहे हैं। पूरी आग बहुत जल रही सुबह से, लेकिन अब थोड़ा कम है। गाइस अभी बाहर किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे पीछे कितना आम खा रहा है। मम्मी आ गए मैंगो शेक बना दी, तो मेरे को दिखा। मम्मी आज आपने बिना कहे मैंगो शेक कैसे बना दिया? दीदी मैंगो शेक पियेंगी? दीदी को मैंगो से नफरत है। आज ज्यादा बनाया मैंगो शेक, सबकी प्यास बुझ जाएगी। दीदी आप मैंगो शेक क्यों नहीं पीती है? क्यों नहीं पीती वजह बताइए कोई? क्यों नहीं खाती? मैं को तो सबको पसंद, क्यों नहीं खाती बताइए? अब भाग जाएंगे। कृष्णा तो मस्त अपनी गुडली चूसता है, इसको आम नहीं पसंद। मम्मी मैं ऐसे ही लूंगा बिना बर्फ का। दीदी पी लीजिए हल्का सा। दीदी पी के देखो बिटिया। दादा तो मस्त बर्फ वाला पिएगा, दादा को ऐसे नहीं पसंद होता। ठीक है तो देखिए अब अच्छा लगेगा आपको? नहीं दीदी को नहीं अच्छा लगता। दादा के तो बड़ा पेपर ही है। गाइस मजा आ गया मैंगो शेक पी के। गर्मी में तो मैंगो शेक अच्छा लगता है, गर्मी में मैंगो शेक बनाना से और भी बहुत सारे शेक पीते हैं हम बनाते हैं, हमारा कोई धन्यवाद नहीं। मम्मी धन्यवाद आपने मैंगो शेक बनाया। गाइस मेरा तो मैंगो शेक फिनिश हो गया, लेकिन मैं और पीऊंगा, बहुत अच्छा बना है। अंडा ना पियो सी वांग को। नहीं मैं फिर अंडा पियेंगे, ठंडा ही मजा आता है। मैंगो शेक फिर से फिनिश। दीदी आपने मैंगो शेक पिया क्यों नहीं बताइए? पीती क्यों नहीं मैंगो शेक? पिया के लिए मैंगो शेक देर हड्डी की हो गई है आप। भाग के जा रही मैंगो शेक पी लिया करो। दौड़े आने लगे दीदी को, दौड़े आने लगते बीच में। गाइस जैसा कि आपको पता है कि मेरी और कृष्णा की समर हॉलीडे छुट्टी शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझको समर हॉलीडे का बहुत सारा काम मिला है। कृष्णा को भी बहुत सारा काम मिला है, लेकिन मैं तब से काम कर रहा हूँ, ये काम ही नहीं कर रहा है। तुम काम निकाय नहीं कर रहे समर हॉलीडे का? मैं हो गया आधा। आधा हो गया? गाइस इसका समर हॉलीडे वर्क का आधा काम हो गया, करते ही तब भी हो गया। इसको बहुत कम काम मिल रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा काम मिला है। ट्यूशन वगैरह नहीं है? ट्यूशन में करता है। गाइस समर हॉलीडे शुरू हो चुका है, तो अब सोचना यह है कि हम लोग छुट्टियों में जाएंगे कहाँ घूमने। गाइस समर हॉलीडे हर बार आता है चला जाता है, लेकिन हम लोग घूमने के लिए कहीं भी नहीं जाते। लेकिन इस बार होने ऐसा नहीं होने देंगे, इस बार हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। हम लोग चाहे राजस्थान घूमने जाएं या फिर कहीं भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो जरूर मम्मी से कहते हैं कहाँ जाएंगे घूमने समर हॉलीडे में। कृष्णा बताओ समर हॉलीडे में कहाँ घूमने चलोगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, लोग हमारे घर आएंगे। गाइस समर हॉलीडे में होता क्या है, जो हमारी मौसी बुआ जीती बुआ फूफा जो भी है सब हमारे घर में आ जाते हैं, और हम लोग कहीं जा ही नहीं पाते हैं। ऐसा होता है मेरे घर में, हम लोग कहीं नहीं जाते, लेकिन दूसरे घर से हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कहीं जा भी नहीं पाते घूमने के लिए। लेकिन हम मम्मी से कहें कहीं चलिए घूमने के लिए। मम्मी समर हॉलीडे छुट्टी शुरू हो चुका है, तो अब सवाल यह है कि हम लोग घूमने जाएंगे कहाँ, बताओ मम्मी। हम लोग घूमने जाएंगे, बताओ तुम। आज से ही हुआ है समर, आज से हुआ है, लेकिन पिछली बार हुआ था निकल गया हम लोग कहीं निकल, उससे पिछली बार हुआ था निकल गया हम लोग कहीं निकल, तो जाएंगे कल पक्का नहीं जाएंगे? बताओ प्लान बनाएंगे चलेंगे। प्लान बनाओगे पक्का? पक्का बनाओगे प्लान? बनाएंगे कहीं दूर 5-6 दिनों का ट्रिप बनाना, ठीक है? दादा दीदी कृष्णा मम्मी से डील फाइनल हो चुकी है, हम लोग कहीं दूर ट्रिप पे जाएंगे, मम्मी ने कह दिया है। झूठ झूठ सच में जाएंगे? दीदी कह दिया मम्मी ने? मम्मी ने कह दिया है नहीं जाएंगे। मम्मी मम्मी भरोसा नहीं है किसी को, ना दीदी को भरोसा, ना कृष्णा को, ना मम्मी को भरोसा नहीं है किसी को आपके ऊपर। भरोसा नहीं तभी तो चलेंगे। अच्छा मम्मी, मम्मी ने भी कह दिया कि जाना है तो जाना है कहीं दूर। भरोसा नहीं कभी चलेंगे पक्का।
अब गाइस कंट्रोवर्सी हो जाएगी यहाँ पे सबके बीच, चलना है कि नहीं चलना, किसना दादा कह रहा नहीं जाएंगी, जाके रहना है आपको आज, जाएंगे तो इसको नहीं ले जाएंगे, इसको ना ले जाना क्योंकि ये कह रहा है नहीं जाएंगे, अरे नहीं जाएंगी। मम्मी आज से छुट्टियां चालू हुई हैं, आज तो संडे है, मतलब कल से चालू हुई है, तो कहीं अभी सोचो तब जाके 10-15 दिन में प्लान बनेगा, चलेंगे पीछे पड़ोगे तो नहीं चलेंगे। नहीं मैम, मैं देखो मैम मैं कह रहा हूँ, मैं 31 तारीख को आपने कहा था खाटू श्याम जाने का प्लान बन रहा है 31 तारीख को, बुआ से पूछेंगे, गुड्डन बुआ से जाएंगे, पंखा खोलो अच्छा जल्दी। गाइस अभी मम्मी का तो प्लान बन नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे मम्मी का प्लान बनेगा, लेकिन उससे पहले दीदी बहुत दिनों से कह रहे थे हम दीदी को यहाँ पे 15 दिन हो गए, लेकिन दीदी कह रही थी कहीं घूमने ले चलेंगे मम्मी, लेकिन मम्मी आज ले जा रही सबको ट्रेंस कैफे, ट्रेंस कैफे देसियान चलना है, ट्रेंस करना है या उपवन चलना है, दीदी कह रही है देसियान चलो, कृष्णा कह रहा है ट्रेंस चलो, नहीं ट्रेंस कह रहा है दादा के लिए, नहीं ट्रेंस दादा के लिए नहीं, दादा ट्रेंस के लिए कह रहा है, बताओ मैं चलना कहाँ आपको, दीदी अभी कहीं गई नहीं, देसियान गई हो नहीं, तो देसियान चलना पहले, हाँ दीदी देसियान नहीं गई तो पहले देसियान पास है, पास है अच्छा, अंदर तो नहीं गई हो, बाहर से देखा है ना, ट्रेंस कैफे भी पास है, धोनी पास ही तो है, तो दूसरी बार देखा जाएगा कि एक ही बार में सब घूम लो, नहीं मैं कह रहा हूँ पहली बार जाएंगे देसियान, दूसरी बार जाएंगे ट्रेंस, तीसरी बार जाएंगे उपवन, और चौथी बार जाएंगे कालिका, पांचवी बार जाएंगे सरनी, वो वहाँ पे क्या संग्रीला, संग्रीला जाएंगे। गाइस अभी आपको एक चीज दिखाएं, ये चीज आपने मेरे गली में पहले कभी नहीं देखी होगी, गाइस ये देखिए, यहाँ पे जब भी सामने जाते तो यहाँ पे आपको एक दीवार दिखती थी, लेकिन अब यहाँ पे दीवार नहीं है, सब काट दिया है, फाड़ दिया सब कुछ, यहाँ पे नया घर बना है टोर के, इसलिए ऐसा करे यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो, नाइट वॉक कर रहे हैं, गाइस नाइट वॉक कर रहे दादा यहाँ पे, एक बहुत अजीब लग रहा है इसको देख के। गाइस अभी सब लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं मस्त देसियान में जाने के लिए, ये दादा का फाइनल लुक है, दादा ने कपड़े नहीं बदले, बदले वैसे लेकिन सिंपल डाला है, मम्मी यहाँ पे जाओ, ये मम्मी का फाइनल लुक है कुछ, और दीदी का फाइनल लुक ये है। गाइस मैंने भी कपड़े नहीं बदले, मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, जो मैंने सुबह से कपड़े पहने में भी डाले हुए जाऊंगा, काला ऊपर भी काला, काला ही पहनता है मम्मी जी दिन भर, दूसरा पहनो, फेवरेट कलर है काले, इसका फेवरेट कलर काला है मम्मी, मम्मी में काला नहीं सकता, कोई लाइट पहनो, देर हड्डी क्या है बताओ मैं क्या करूं, पैंट चेंज करो, उधर रखी है पैंट तुम्हारी, देखो इधर अलमारी में, दोनों काले काले, मैं रेडी, दीदी रेडी, दादा रेडी, हां रेडी, जाने से पहले परफ्यूम जरूरी है, अरे डाल दे, मेरे डालो, मुझको एनर्जी है, मम्मी सोचना चाहिए कि वहां जाके हम लोग करेंगे क्या, अरे करोगे क्या, खाना पीना चल देना बस, कुछ सोचा है खाने के लिए, चाउमीन पिज्जा, और पिज्जा मिलता है नहीं पहली बार, नहीं मिलता चाउमीन खा लेना, सब लोग जानने के लिए रेडी हैं, लेकिन मैंने दीदी को डराने का कोशिश किया, लेकिन मैं प्लान फेल हो गया, आप डरी गाय नहीं इस बार, नहीं डरी, हर बार थोड़ी ना डर जाएंगे। गाइस पहुंच गए देसिया, अब अंदर चलते हैं। गाइस यहाँ पे कृष्णा ने आते ही मेन्यू पकड़ लिया है, अब देख रहे हैं क्या क्या खा सकते हैं, क्या लेने इस पर, कुछ सोचा क्या, सोचा बताओ क्या, इसको तो आनी रहती है, तो पानी से पेट भरते रहता है, गए नहीं खाना आ चुका है यहाँ पे, गाइस यहाँ पे पाव भाजी आ चुकी है, और मिक्स वेज चाउमीन और फैमिली डोसा, गाइस अभी यहाँ पे सब लोग पाव भाजी खा लेते हैं, गाइस मैं सभी चाउमीन आ गए खाते हैं, गाइस खाना पीना हो चुका है, अब घर चलते हैं, इतना बिल आ गया, बिल कितना आया था, दादा बिल कितना आया, 4 रुपए, गाइस अभी देसी यहाँ से निकल चुके हैं, अब सब्जी भी ले लिए, घर चलते हैं, गाइस अभी घर पे आ चुके हैं, घर पे आने के बाद मेरी आँख बहुत करके जलने लगती है, ड्रॉप दिलवाते हैं दीदी से, फिर दोनों सो जाते हैं, गाइस ड्रॉप डलवा लिया है, सो मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आप ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।